शराबबंदी वाले बिहार में अब शराब तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आम आदमी तो दूर, अब पुलिस कर्मी भी निशाने पर है और पुलिस का भय तस्करों से बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। बीती रात गुप्त सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ही शराब तस्करों ने हमला कर दिया, जिससे एक SI की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक होमगार्ड का जवान घायल हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। पूरा मामला नावकोठी थाना क्षेत्र के छतौना पुल की है। शाहिद दरोगा की पहचान नावकोठी थाना में पदस्थापित खमास चौधरी के रूप में की गई है। वहीं घायल सिपाही की पहचान होमगार्ड के जवान बालेश्वर यादव के रूप में की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात नावकोठी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अल्टो कार से शराब की बड़ी खेप मंगाई जा रही है। इसी सूचना पर खमास चौधरी दलबल के साथ छतौना पुल के नज़दीक खड़े थे और जैसे ही अल्टो कार पहुंची, उन्होंने कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार ने पुलिस को देखकर कार की स्पीड बढ़ा दी और सड़क पर खड़े समाज चौधरी सहित एक होमगार्ड के जवान को रौंदते हुए फरार हो गई है। अन्य पुलिस के जवानों ने अगल बगल भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बाद में पुलिस ने छापेमारी कर अल्टो कार के मालिक को हिरासत में लिया है एवं पूछताछ कर रही है। हालांकि कार अभी भी बरामद नहीं की जा सकी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि शराब तस्करों के हौसले बिल्कुल बुलंद हैं और वह किसी को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है और लगातार पुलिस वाले हमले का शिकार हो रही हैं। बिहार में लागू शराबबंदी अब आम लोगों के साथ साथ पुलिस के लिए भी नासूर बनती जा रही है। ऐसे क्या हुआ था? हमको पता नहीं लगा। कौन सी पर आप थे? बैठे हुए थे सब। सब आदमी खड़ा थे और कौन सी वाला धक्का मारा था? अल्टो वाला। क्या लोग आप लोग खड़ा थे? सभी को रौंद दिया। जो बच गए थे, जो पकड़ा है उसको है? जो शायद हो गया वो बच गया, जो सामने आया उसको रौंद दिया। क्या उम्र है? एक मरा। कौन सी के कौन मरे? खामोश चौधरी। कौन सी वो थे? कौन सी थे वो खामोश चौधरी? SI थे। आप घायल हो गए? क्या नाम हुआ आपका? कहाँ पर हुआ था एक्सीडेंट? छतौना पुल। क्या कर रहे थे आप लोग वहीं पर? ऊपर इंफॉर्म किया था कि दारू लेके जाना। अच्छा, दारू ले। गाड़ी पकड़ाया कि भाग गया? नहीं, गाड़ी मारते हुए। अच्छा।